वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फेस पैक बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल पूरी तरह से नेचुरल है। बेसन और खीरा और आलू से बना हुआ एक फेस पैक, जिसमें एक और चीज़ मिलाएंगे और उसे बनाएंगे, वो है गुलाब जामुन। तो चलिए वीडियो। हमने एक खीरे को काट कर उसमें से जूस निकाल लिया है। इसमें कुछ मात्रा में आलू का भी जूस मिलाया है, आलू का जूस ज़्यादा नहीं, 10 से 12 बूंद या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। इसमें बेसन हमें ले लेनी है। इसमें हम एक और चीज़ मिलाएंगे, वो है गुलाब जल। गुलाब जल ज़्यादा नहीं, 4 से 5 बूंद मिलाएंगे। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गुलाब जल एंटीबायोटिक है, आप चाहे तो 4 से 5 बूंद भी रख सकती हैं। हमने इस बॉल में पहले से ही सब कुछ मिला लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब इसमें बेसन मिला लेना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके एक रेमेडी तैयार कर लेना। पैक ज़्यादा गीला या थिक ना हो, हमने जैसा मिलाया है आप वैसा ही देख लीजिए। गुलाब जल एक एंटीबायोटिक है जो हमारे फेस को फ्रेश और ताज़ा रखता है। आज जो हम रेमेडी बनाएंगे वो पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें किसी तरह के हार्मफुल केमिकल नहीं है। आज हम खीरे, आलू और बेसन से एक फेस पैक तैयार करेंगे। इसे हम मसाज क्रीम भी कह सकते हैं। इसे बनाने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, यानी गर्दन से फेस की तरफ। इसे 10 से 12 मिनट तक रखना है। जब 10 से 12 मिनट हो जाए तो इसे इस तरह मसाज करते हुए सुखा लेना है। जैसा हम मसाज कर रहे हैं आप वैसा कर सकती हैं, या फिर आप मसाज करती हैं उस तरह से भी कर सकती हैं। ज़्यादा सूखने नहीं देना है, हल्का गीला हो तभी उसे मसाज की तरह यूज़ करना है और सुखा देना है। जब पैक पूरी तरह सूख जाए तब उसे ठंडे पानी से धोना है। आप चाहे तो नॉर्मल ठंडा पानी ले सकती हैं। धोने के बाद आप देख सकती हैं कि आपका फेस कितना फ्रेश और ताज़ा लगने लगेगा। आपके आँख के नीचे काले दाग धब्बे सब हल्के हो जाएंगे और धूप में जो हमारा फेस झुलस चुका है वो फिर से फ्रेश और ताज़ा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।